जिंदा है, जिंदा है तलबा, जिंदा है मैयत कर देख के, जिंदा है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम ना कहते थे कि तलबा डट गए हैं, और अगर ये डट गए तो बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा इस पाकिस्तान के निज़ाम के लिए, जो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ फस्ताइयत का एक मुंह बोलता सबूत बनता जा रहा है। आपके सामने ये मनासर हैं कुछ, जो कि कराची से हैं, जहां स्टूडेंट तहरीक की पहली ही रैली में पुलिस बेबस दिखाई दी, और स्टूडेंट्स और पुलिस जब आमने सामने आए तो पुलिस ने मिन्नतों के साथ इन पावरफुल स्टूडेंट्स को बैक करने की कोशिश की, जहाँ पर इन्हें काफ़ी ज़्यादा नाकामी का सामना करना पड़ा। पुलिस को ये लगता है कि शायद इन स्टूडेंट्स को कंट्रोल किया जा सकता है। रास्ते पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये लगता है कि शायद कंट्रोल हो जाएं ये लोग, लेकिन ये एक गलत फहमी हो सकती है, क्योंकि चीज़ें ऐसी दिखाई नहीं दे रही। इन लोगों का मकसद कोई और नहीं है, इनके पीछे कोई लीडर खड़ा नहीं है, ना ही इन्हें कोई लीड कर रहा है जिसके मफादात हों। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ इस पाकिस्तान के लिए जंग लड़ने को तैयार हैं। ये लोग सिर्फ इसलिए उठ खड़े हो रहे हैं कि फस्ताइयत है, इंसाफ नहीं है, इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। आज जैसे इस वीडियो में देखने को मिल रहा है कि पुलिस इनकी मिन्नतें करने पर मजबूर है, तो आने वाले वक्त में अगर मिन्नतें नहीं भी करती, एक्शन भी लेती है, कोई गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जाती हैं, तो फिर इनके अंदर नया जोश और वलवला पैदा हो सकता है, और ये पीछे हटने वाले नहीं होंगे। आज की वीडियो के हवाले से आप कमेंट कीजिए आपको क्या लगता है। वीडियो आज की शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए।